हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया का T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के बारे में। यस दोस्तों, टीम इंडिया अपना T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। इसमें यूजी चहल एंड शिखर धवन नहीं है, एंड विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन, वरुण चक्रवर्ती, राहुल चहर, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार एंड जसप्रीत बुमराह। ये 15 मेंबर का स्क्वाड है एंड 3 रिजर्व प्लेयर्स भी है, उनमें शार्दुल ठाकुर एंड दीपक चहर एंड श्रेयस अय्यर 3 रिजर्व प्लेयर्स है कोविड-19 के वजह से। एंड इसमें यूजी चहल का प्लेस हो सकता था क्योंकि वो इंडिया का एक हाईएस्ट विकेट टेकर है 2019 से, एंड इंडिया का मोस्ट T20 विकेट टेकर भी है 63 विकेट से यूजी चहल के नाम पे। इसलिए यूजी चहल टीम में रह सकते थे एंड एज अ बैकअप ओपनर शिखर धवन को भी आप ऐड कर सकते थे। एंड यूजी चहल का मेरे हिसाब से बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि यूजी चहल को हम ऐड कर सकते थे, वो इंडिया का एक एक्सपीरियंस बॉलर भी है। एंड आप वरुण चक्रवर्ती को ऐड किया है लेकिन यूजी चहल को बाहर किया है। एंड MS धोनी एक बड़ा इंडिया के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। MS धोनी टीम इंडिया के लिए एक मेंटर, एज अ मेंटर T20 वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे एंड उनके रिजर्व प्लेयर्स 3 रिजर्व प्लेयर्स तभी टीम को ज्वाइन करेंगे, मतलब टीम में तभी ऐड होंगे प्लेइंग 11 और 15 मेंबर में किसी को तो कोविड-19 हुआ तो वो 3 रिजर्व प्लेयर्स टीम में शामिल होंगे। एंड मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 ओपनर्स रहेंगे रोहित शर्मा एंड केएल राहुल, वंडन विराट कोहली एंड नेक्स्ट सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत एंड नेक्स्ट हार्दिक पांड्या एंड रविंद्र जडेजा एंड नेक्स्ट दो स्पिनर्स खिला सकते हैं राहुल चहर एंड रविचंद्र अश्विन एंड नेक्स्ट मोहम्मद शमी एंड जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार। ये रहा मेरा प्लेइंग 11 एंड मेरे हिसाब से अब अक्टूबर 10 तक टीम को चेंज कर सकते हैं हम, मतलब अब IPL में किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहे तो टीम से बाहर कर सकते हैं। एंड यूजी चहल, शिखर धवन दोनों का भी IPL में परफॉर्मेंस अच्छा रहे तो दोनों भी टीम को ऐड हो सकते हैं। अक्टूबर 10 तक टीम हम चेंज कर सकते हैं ऐसा ICC ने बोला है। डेली क्रिकेट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस, बाय बाय।